अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर यूजी एंड पीजी क्लासेस के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन तो आप कैसे फिल करेंगे। तो ड्यू टू कोविड-19 आपको पता है जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करा रही हैं, तो ये भी हम ऐसे ही फिल करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो उसके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फिलहाल इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट का ऑफिशियल पेज है। तो यहां पर देखिए, ये होम पे आप जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपका होम होगा, तो यहां पर आपको लिंक मिलेगा एडमिशन 2020 का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है आपने अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है या एमफिल पीएचडी के लिए लेना है, तो फिलहाल हमें अंडर ग्रेजुएट के अंदर लेना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया, यहां पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहां पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक बना, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आएगा, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी आएगी। तो ये आप डिटेल्स यहां फिल कर लीजिए, ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए और फोन नंबर आपका सही होना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शंस वगैरह हो या पासवर्ड वगैरह आप भूल गए हैं तो आप इसी की हेल्प से अपनी रिकवरी कर सकते हैं। सो यहां हम पासवर्ड फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको फोन नंबर यहां पर फिल करना पड़ेगा। तो ये फिल करके हम यहां पर कैप्चा फिल कर लेते हैं। सो फोन नंबर यहां पर अगर आपका मिस्टेक हो जाए तो आपका यहां एरर मैसेज शो कर देगा, तो इसको हमने यहां ठीक कर लिया। और उसके बाद आपका यहां पर कैप्चा फिल करेंगे, तो कैप्चा स्मॉल में या कैपिटल में उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां फिल करना होगा। और यहां पर आपको करना होगा रजिस्टर पर क्लिक। तो जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, जो आपने यहां पर मोबाइल नंबर दिया उस पर आपको एक ओटीपी जाएगा और आपने ये कैप्चा और ओटीपी फिल करके यहां से लॉगिन करना है। सो ओटीपी आ गया, ओटीपी आपको साथ के साथ ही आ जाएगा, तो यहां पर हम ओटीपी फिल कर लेते हैं और यहां पर जो कैप्चा दिया गया है ये आप यहां पर फिल कर लेंगे। तो ये फिल करने के बाद आप यहां से सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपका यहां लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो लॉगिन आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मांगेगा और पासवर्ड जो आपने दिया है, और फिर से आपने ये कैप्चा फिल करना है, ये जो कैप्चा यहां पर दिया गया है। उसके बाद आप यहां से करेंगे लॉगिन। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो यहां से आप फॉरगेट पासवर्ड करके यहां से रिकवरी वगैरह कर सकते हैं। सो यहां से हमारा कैप्चा इनकोरेक्ट है, आप यहां से इमेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। स्वेकर फिल से यहां से हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहां से हम इसको अगेन लॉगिन करेंगे। सो जब हम इसको अगेन लॉगिन करेंगे तो यहां डिटेल्स वगैरह हमारी वेरीफाई करेगा। सो कैप्चा यहां से गलत हो रहा है, एक बार कैप्चा चेक कर लेते हैं। FFEIZUO, एक बार फिर से लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद कैप्चा वेरीफाई होने के बाद हमारा यहां पर लॉगिन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले डिटेल्स दी गई है, यहां पर आपका अकाउंट देख सकते हैं, लॉगिन हो गया, आपकी ईमेल आईडी यहां से आप लॉग आउट कर सकते हैं, बाकी कॉलेजेस और बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर चाहिए, तो यहां से फोटो कॉपीज चाहिए, सेल्फ अटैच्ड सारे होने चाहिए डॉक्यूमेंट आपके, पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर आपका यहां साइज वगैरह दिया गया, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस टू का चाहिए। अगर रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ तो फर्दर प्रोसेस है वो आपको जब मैं बताऊंगा नेक्स्ट देखते हैं जब अप्लाई करते हैं। सो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूजी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने पड़ेंगे, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या अंडर आप ईसीए सर्टिफिकेट है भी आपका वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी आप ये गाइडलाइंस हैं ये आप रीड कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग आप यहां से करेंगे सबमिट। सबमिट करने से पहले यहां चेकबॉक्स पे क्लिक करिए, उसके बाद आप यहां सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहां पर देखिए पूरा परफॉर्मा आ गया। आपको यहां पर 8 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां स्टूडेंट का नेम देना पड़ेगा, उसके बाद मदर्स नेम देना पड़ेगा। मदर्स नेम देने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले सॉरी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यहां पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आपका जेंडर, और जेंडर आप प्रॉपरली चूज करिएगा, बिकॉज आपको पता है यहां अगर आपने कॉलेजेस वगैरह जो चूज होंगे अगर आप मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग आपको वुमेन कॉलेज मिलेंगे अगर आप फीमेल है तो। सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, सो डेट ऑफ बर्थ भी प्रॉपरली चूज करिएगा, गलत मत करिएगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप इंडिया से आउटसाइड इंडिया से एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी चूज करेंगे। सो हम यहां से कैटेगरी चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपका यहां कोई माइनॉरिटी है अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दीजिए।
सो फिलहाल उसके बाद आपकी ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो फिल कर दीजिए। और यहां पर आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, ये जो यहां पर फील्ड्स हैं जिनके ऊपर स्टार लगा, ये फील्ड्स आपकी इम्पोर्टेंट आएंगे, आपको फील्ड्स फिल करनी ही पड़ेगी। यहां पर आपका आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा, तो यहां पर आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया। उसके बाद आप डोमिसाइल कौन सी यहां के हैं अपनी स्टेट यहां फिल कर दीजिए। उसके बाद आपके मदर का नाम यहां पर आएगा, मदर की जो ऑक्यूपेशन है वो आएगी। एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद फादर का यहां नाम आएगा, उसके बाद फादर क्या करते हैं आपके वो ऑक्यूपेशन आएगी। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप फिल कर देंगे। अगर आप देना चाहें उनका जो ऑफिशियल एड्रेस है या घर का एड्रेस है दे भी सकते हैं, नहीं देना की प्रॉब्लम नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो यहां पर वार्ड कोटा डिटेल्स अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ऐसे ही अदर कोटा के अंदर हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। सो ये जो डिटेल्स हैं कश्मीरी माइनॉरिटी के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर कोई स्पेशल स्कॉलरशिप है, अगर ये कुछ भी है आपका यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो यहां पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा, ये प्रॉपरली फिल करिएगा। सो जहां की जिस भी स्टेट के यहां प्रॉपरली एड्रेस फिल करिएगा, आपकी कंट्री यहां पर आएगी किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि ये जो फॉर्म है सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई करें, अदर स्टेट के या अदर कंट्रीज के भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपकी आ जाएगी स्टेट, उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपका यहां डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद आप यहां से अगर एड्रेस आपका सेम है तो आप क्लिक इफ सेम एज कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप बैंक की डिटेल्स यहां फिल करना चाहें कर सकते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फीस वगैरह आपकी फेल हो जाता है, रिफंड आपको करना पड़ता है, अब जो है वो करेगी आपको यूनिवर्सिटी, लेकिन कैसे करेगी वो आपको डिटेल्स यहां चाहिए। अगर आपका अकाउंट नंबर है बेटर है, नहीं तो आप कोई और अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं। डिटेल्स जरूरी है या सही फिल करना, अदरवाइज आपको पता है फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद चेक कर लीजिए, उसके बाद यहां सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अगर कोई आपकी यहां फील्ड में गलती हुई तो वहां रेड कलर का एरर शो हो जाएगा, अदरवाइज यहां पर देखिए सारी आपकी डिटेल्स आ गई। अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हैं प्रीवियस जा सकते हैं, और आपकी सारी यहां डिटेल शो कर रहा है, आपका अकाउंट नंबर, आपकी जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स और जो भी स्कॉलरशिप वगैरह जो सब कुछ आपने चूज किया यहां पर आ रहा है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रीन कलर का आ गया। यहां से नेक्स्ट करेंगे, इसमें आप अपनी अकेडमिक की डिटेल्स डालेंगे। सो यहां से कौन से बोर्ड से हैं वो आप बोर्ड चूज कर देंगे, सीबीएसई से है, कौन सी क्लास पास्ड है, अपियर्ड है, अप्लाइड फॉर है, अभी वेटेड रिजल्ट, यहां बोर्ड का जो रोल नंबर है आपका वो फिल कर देंगे। तो पासिंग ऑफ ईयर फिलहाल दिस वन है, तो एडिशनल डिटेल्स अगर आपके पास है वो आप फिल कर देंगे। नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंड किया था, टाइप ऑफ स्कूल, ये जरूरी नहीं है, अगर है ठीक है तो फिर कर सकते हैं, नहीं भी करना की प्रॉब्लम नहीं है। हैव यू स्टडीड इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, अगर है ठीक है, नहीं है तो यहां से रहने दीजिए, आप सबमिट कर दिए। लेकिन यहां पर डिटेल्स फिल करना जरूरी है, आप देख सकते हैं यहां पर एरर आ गया। सो लास्ट स्कूल मैं यहां फिर फिल कर देता हूं, टाइप ऑफ द स्कूल कौन सा था आपका, प्राइवेट था, स्कूल की लोकेशन अदर थी, दिल्ली के अंदर है दिल्ली कर लीजिए, कौन सा मीडियम था वो चूज कर लीजिए, इंग्लिश है इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, अगर आउट स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी मीडियम था वो चूज कर लीजिए। जैसे यहां पर चलिए मैं अदर ले लेता हूं, जैसे पंजाब से हूं पंजाबी चूज करूंगा। सो कौन सी आपने ये अपने हिंदी लैंग्वेज रीड की है, जो प्लस टू प्लस टू तक की है तो कर लीजिए। यहां से कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं उसको आप कर दीजिए। सो फिलहाल यहां पंजाबी कर लेते हैं, कौन से लेवल तक है, सो यहां प्लस टू ओनली। तो यहां से कितनी परसेंट आपके मार्क्स थे, तो फिलहाल अभी रिजल्ट आएगा तो मैं यहां पर 00 लिख देता हूं, बाद में ठीक हो जाता कि प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिजल्ट आया नहीं, मार्क्स कहां से आएंगे, तो हम इसको 00 लिख देते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। जेस्टिमेटर लिख दीजिए, आप लो भी लिख सकते हैं, कल कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उनको कह देना रिजल्ट नहीं आ रहा था, ब्लॉक उठा नहीं रहा था, तो आप फिल कर सकते हैं। यहां पर हमारा सेकंड स्टेप हो गया टेल शो की, नेक्स्ट आप यहां से करेंगे थर्ड स्टेप है एंट्रेंस के लिए। अगर आप एंट्रेंस के लिए यहां से करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। सो कौन कौन सी आपको एंट्रेंस देनी पड़ेगी, बीटेक के लिए एंट्रेंस है, बीएससी के लिए है, 5 ईयर 20 क्रेडिट प्रोग्राम है जर्नलिज्म उसके लिए, यहां नीचे फीस भी दी गई है, बीए ऑनर्स के लिए है, बीए ऑनर्स विद म्यूजिक के लिए, यहां से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा यहां पर आप चूज करना चाहते हैं। अगर नहीं करना अंडर एंट्रेंस टेस्ट तो नो कर दीजिए और यहां से आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अगर आप स्पोर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां स्पोर्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव ऑप्ट नॉट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द कोर्स, उसके लिए ये आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर अप्लाइड अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी नो, अगर आप करना चाहते हैं अंडर स्पोर्ट्स के तो यहां एड अंडर स्पोर्ट करिए।
और यहां से आप कर सकते हैं जो भी आप स्पोर्ट्स वगैरह लेना चाहें। यस किया मैंने, यस के बाद आप यहां से जो भी आपका स्पोर्ट्स है वो चूज कर लेंगे। और जैसे यहां से चलिए कबड्डी ले लिया और सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। फिलहाल हम नहीं फिल कर रहे इसलिए मैंने यहां से नो करके सबमिट कर दिया। अंडर ईसी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी यहां पर गेम स्पोर्ट है जो आपको ऐड कर सकते हैं। जैसे उसके लिए यस नो है, यस कर दिया तो उसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी, आप फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। देखिए डिपेंड करता है आप कौन सी अंडर कैटेगरी है, जैसे एंट्रेंस आपने देना है, कौन से आपका फील्ड है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप देंगे। तो यहां से सबमिट पे क्लिक कर दिया, नहीं करना यहां से नेक्स्ट करते हैं। ईसीए के लिए नहीं करना तो यहां से नेक्स्ट करते हैं। और यहां पर देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने सिलेक्शन की थी, लाइक मैंने वहां चूज किया था एससी, तो एससी के अकॉर्डिंग वहां पर मुझे एससी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। सो प्लस टू में मैंने लिखा कि अवेटेड है मेरा रिजल्ट, इसलिए यहां पर उन्होंने टेंथ की रिजल्ट शीट मांगी है। तो यहां पर आप अपनी फाइल्स अपलोड करेंगे, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फाइल्स का साइज। तो यहां पर आपका जो साइज है आपकी फोटो का 50 KB से अबव नहीं होना चाहिए, मिनिमम आपका चाहिए 10 KB। तो ये भी जो आपके सिग्नेचर इसका भी सेम है। और जो आप अपलोड करेंगे अपनी टेंथ की और एससी का सर्टिफिकेट, उसका जो साइज है 100 to 500 KB होना चाहिए। तो यहां से जब आप इसको अपलोड कर देंगे तो आपका यहां से प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू जो भी आपने पूरा एक फॉर्म फिल किया है A to Z स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक सारा वहां पर डिस्प्ले करेगा। आफ्टर डिस्प्लेइंग आपकी फाइनल सबमिशन होगी जिसमें आपकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताया जाएगा। तो चलिए यहां से हम चूज कर लेते हैं, मैं बाय डिफॉल्ट यहां से सिलेक्शन कर लेता हूं। तो यहां से फोटो चूज कर लेते हैं, लेकिन फोटो का साइज यहां पर दिया गया, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो जो भी यहां पर डिटेल्स दी गई है आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं कौन कौन सी डिटेल्स हैं। सो मैं यहां कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लेता हूं, लेकिन आपका साइज मैच करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर जैसे साइज नहीं मैच कर रहा तो वो वहां पर नहीं उठा रहा। जैसे ये मैंने फोटो यहां से चूज कर दी, साइज मैच हो गया, यहां पर उठा लिया इसने। ऐसे ही मैं सेकंड का करूंगा तो यहां से आप देख सकते हैं सेकंड का साइज भी उठा लिया। लेकिन अगर आपका साइज मैच नहीं कर रहा तो आपका डॉक्यूमेंट आज वो अपलोड नहीं होगा। तो ये देखिए, और जो फॉर्मेट है आपका जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, अदर फॉर्मेट वो उठाएगा नहीं। और जो आपका साइज है आपके उसी साइज के अंदर सारी सेटिंग होनी चाहिए, लेकिन उस साइज से अबव है तो आपका जो है इसमें डाटा आपका अपलोड नहीं होगा। तो ये सारा आप यहां पर अपलोड कर लेंगे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी जो है जेपीजी फाइल होनी चाहिए, अगर आपके जेपीजी फाइल नहीं है तो आपका ये अपलोड नहीं होगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट लार्जर साइज का है, अगर है तो उसको अपलोड कर देते हैं, नहीं तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया। ये देखिए ये आ गया एक डॉक्यूमेंट, और यहां से एक मैंने ये डॉक्यूमेंट चूज कर लिया। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर लिए, लेकिन आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, यहां पर मैंने जस्ट डमी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं जस्ट आपको शो करने के लिए। यहां से आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीव्यू शो करेगा। तो यहां पर देखिए आपके सारे ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, यहां से नेक्स्ट करेंगे। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो इसको आप सेव एंड कंटिन्यू लेटर कर दीजिए। यहां पर देखिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल एकेडमिक सारी डिटेल्स ओके हो गई है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो पेंडिंग है आपके यहां, कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनका साइज प्रॉपर नहीं था इसलिए ये अपलोड नहीं हुई, लेकिन अगर आप अपलोड कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली साइज कन्वर्ट करिए। फिलहाल इसका मैंने वीडियो पहले से बनाया, अभी मैं सेटिंग करूंगा डॉक्यूमेंट्स की फिर अपलोड करूंगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो जस्ट अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वही अपलोड करिएगा, और डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली होने चाहिए। ये जो यहां पर डायमेंशन दिए इनको मैच करने चाहिए। और उसके बाद जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनकी प्रीव्यू आएगी प्लस पूरी डिटेल्स आएगी। और उसके बाद आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, और जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह होगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो लगेगा। और अगर नहीं है कोई भी फीस स्ट्रक्चर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आपकी फीस नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स ये था होल प्रोसेस, इसको करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया साइज नहीं सपोर्ट किया इसलिए नहीं उठाई, लेकिन अगर आप साइज अपना कन्वर्ट करके सेट करेंगे तो हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपरली लगाइएगा, सही लगाइएगा। सो ये थी प्रोसेस कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी के लिए या पीजी के लिए, पीजी का भी सेम प्रोसेस है, बस ये है कि उसके फील्ड थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं एडमिशन के लिए, किसी भी स्टेट के लिए आप ऐसे फिल करेंगे। तो कोई भी प्रोसेस करने में आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो डेट इन फ्यूचर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर यू अवेलेबल टाइम।